चप्पल को यहाँ छोड़ सकते हो। स्कूबा डाइविंग का पहला रूल, सांस कभी नहीं रुकना है। सो मैं ना इंट्रो नहीं देने वाला हूँ, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करता हूँ। सो इस वक्त मैं हूँ हैवलॉक आइलैंड में, और एक्चुअली हैवलॉक आइलैंड क्या है ना, वो है स्कूबा डाइविंग का पैराडाइज है। और अभी मेरा जो प्लान है वो स्कूबा डाइव का है। ऑब्वियसली टाइटल देख के तो आपको पता चल गया होगा कि ये स्कूबा डाइव का ही व्लॉग है। अगेन मैं स्कूबा डाइव करने वाला हूँ और अंदर जाता हूँ, मेरा जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको पूरा करता हूँ, लाइक फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता है। तो अंदर जाता हूँ, फॉर्म फिलअप करता हूँ, कुछ कॉस्ट्यूम्स भी लेना पड़ता है, कुछ जो बेसिक साइंस होते हैं अप डाउन ये सब भी, वो तो खैर जहाँ पे हम स्कूबा करेंगे वहीं पे बताया जाएगा। और यहाँ पे जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ है मैं उसको फटाफट फिनिश करता हूँ और आपको अपडेट करता हूँ। तो ये देखो कॉस्ट्यूम यहाँ पे सूखने के लिए है, ये सारे कॉस्ट्यूम्स हैं। सो फाइनली मैं ना स्कूबा डाइविंग सेंटर पे आ गया हूँ, और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ, जो मैंडेटरी जो टास्क होता है उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो बारी आती ना डाइविंग सूट पहनने की, डाइविंग सूट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा मैं। और उसके साथ ही ना कुछ छोटा सा हम यहाँ पे समरी दे देते हैं बिफोर डाइविंग। हाँ, तो पहले डाइविंग सूट क्यों इंपॉर्टेंट है। डाइविंग सूट को हम एक्सपोजर सूट कहते हैं, ये नियोप्रीन का बना होता है, तो जैसे ही आप पानी में उतरोगे तो एक बार सारा पानी अब्सॉर्ब कर लेता है, अब्सॉर्ब करता है और फिर आपकी बॉडी हीट उसको, उस अब्सॉर्ब पानी को गर्म रखती है, तो फिर आपके और समंदर के बीच में एक लेयर बन जाती है गर्म पानी की, जो आपको गर्म रखती है और आपको हाइपोथर्मिया से बचाती है। अभी आइए उसके अलावा कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब हम पानी में नीचे जा रहे होते हैं तो हमारे ऊपर एक प्रेशर का असर पड़ता है, कि जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो इसे कहते हैं हम एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर अभी हमारे ऊपर है। हम 10 मीटर नीचे जब जाते हैं तो वो हो जाता है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब सॉल्ट वाटर का 10 मीटर एक पूरा एटमॉस्फेयर जितना होता है। तो फिर अगर आप 10 मीटर तक गए तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, 20 मीटर तक गए तो 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। प्रेशर और क्या चीज़ करता है, प्रेशर किसी भी चीज़ पे पड़ने से वो कंप्रेस होती है, स्पेसिफिकली एयर। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप एक बलून में खाली पानी भर दें और उसको लेके जाएं तो वो बलून वैसे के वैसे रहेगा, लेकिन अगर आप हवा भरा हुआ पानी का बलून पानी के नीचे लेके जाएं, हवा भरा हुआ बलून पानी के नीचे लेके जाएं, तो वो बलून छोटा होता जाएगा क्योंकि हवा उसके अंदर कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी कई सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हवा जमा रहती है। जैसे हमारे कान के अंदर एक एयर पॉकेट जैसा होता है, डेड स्पॉट जैसा, तो उसमें हवा भरी होती है। तो हम जब नीचे जाते हैं तो वो हवा कंप्रेस होने लग जाती है, तो हमारे कान पे एक पिंच और एक प्रेशर पड़ता है। तो उसको संभालने का सबसे आसान तरीका है आप इक्वलाइज करें, इसको एक वाल्सावा मेथड या इक्वलाइजेशन कहते हैं, जो आप अपना नाक बंद कीजिए और ज़ोर से सांस लिए कि अपना कान खुल जाए। ठीक है, जैसे आप एरोप्लेन या कहीं पे करते हो उसी तरह से ज़ोर से सांस लीजिए और अपना कान खोल दें, इससे जो बाहर का प्रेशर है और अंदर के आपके बॉडी का प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा। तो इस टेक्निक को हम इक्वलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा कुछ एक चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, पानी के नीचे हम बात तो कर नहीं सकते, तो हमें साइन लैंग्वेज से बात करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जैसे पैडी के कई सारे साइन लैंग्वेज हैं, आपके लिए सबसे ज़रूरी साइंस क्या है, पहला इसका मतलब है ओके। कई बार आपके सामने कोई जा रहा होगा तो वो आपको पूछेगा ओके, मतलब मुँह से नहीं खाली दिखाएगा ओके, आप वापस सिग्नल करेंगे हाँ ओके। अगर ओके नहीं है तो क्या करेंगे, इसका मतलब नॉट ओके। ठीक है, अभी हमारी जो ट्रेनिंग होने वाली है ना वो ऐसे धूप में होने वाली है, धूप बहुत बहुत ज़्यादा है, बट धूप बहुत ज़्यादा है उसका एक फ़ायदा भी है, आपको जो विजिबिलिटी है ना बहुत अच्छी मिलेगी, तो उसके लिए ना सनस्क्रीन भी चाहिए। तो मेरी आपसे सजेशन है ना, जैसे आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ है लाइक बीपी का प्रॉब्लम है या फिर पानी से डर लगता है या फिर हाइट से प्रॉब्लम है या कोई फोबिया टाइप का है, तो आप नहीं करें तो अच्छा है, अगर अदरवाइज़ करना भी है ना तो आप एक बार डॉक्टर विजिट कर लीजिए, आप मेडिकल सर्टिफाइड हो जाएंगे तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे कोई तो इशू है नहीं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ से जहाँ पे इनका ऑफिस है ना, उस ऑफिस से अभी हम बाई वॉक जा रहे हैं उस पॉइंट पे जहाँ से
स्कूबा डाइविंग शुरू होगी। सो भाई पानी देखकर ना ओ माय गुडनेस, मतलब क्या प्यारा लग रहा है, क्या सुंदर लग रहा है। पानी बहुत ज़्यादा क्लीन है और अभी हाई टाइड चल रहा है ना। हाँ अभी हाई टाइड है। हाई टाइड है ना, तो पानी पूरा शोर तक चला आया और पानी बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत प्यारा लग रहा है। हाँ नेचुरल स्विमिंग पूल। अपनी चप्पल को यहाँ छोड़ सकते हो। तो ये रहा यहाँ पे ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जो इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं BCD यानी बॉयंसी कंट्रोल डिवाइस। सो भाई मज़ा आने वाला है अभी, और पानी मैं दिखा देता हूँ ये दिख कैसा रहा है। ओ भाई तो ये मेरे ब्रदर का ना फर्स्ट स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस है, तो एक्साइटमेंट कैसा है? अमेजिंग। सो हमारे जो इंस्ट्रक्टर भैया है ना, ये पॉइंट चुन लिए है, यहाँ पे एक छोटा सा डेमो क्लास होगा। डेमो क्लास होगा यहाँ पे। एक यहाँ पे बेसिक जो चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेंगे, क्योंकि वंस आप डीप डाइव के लिए चले जाओगे ना, फिर वहाँ पे कोई लर्निंग का कोई गुंजाइश नहीं है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बेसिक जान लेना होगा, फिर उसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे। स्कूबा डाइविंग का पहला रूल, सांस कभी नहीं रुकना है, ठीक है? सांस हमेशा लेते रहिए, नो मैटर व्हाट, रेगुलेटर मुंह में रहेगा और आप सांस लेते रहिए। सांस ऐसी थोड़ा सा पॉजिटिवली बॉयंट होता है कि अपने आप ऊपर आ जाती है इंसान की बॉडी। Ready to go? Yes. This is the time to hit the road. Wow. So ये है हमारी वो बोट जहाँ से हम उस पॉइंट पे जाएंगे जहाँ पे हम स्कूबा करने वाले हैं। यहाँ पे ढेर सारे इक्विपमेंट्स हैं स्कूबा डाइव का, जो किट आता है ढेर सारा है, पानी भी है, पिन। इससे ना थप्पड़ मारने में मजा आएगा। तो ये हम आर्टिफिशियल यहाँ पे पंख लगा ले रहे हैं, आर्टिफिशियल फिन फॉर्म लगा लेंगे ताकि मछली की तरह हम तैर पाए। यहाँ पर रेडी हो गए हैं स्कूबा डाइव करने के लिए, अब फटाफट यहाँ का जो जैकेट वगैरह है जो भी हो उसे पहनेंगे। सो कैसा है एक्साइटमेंट अभी? एकदम अमेजिंग। सो ये है भाई जेलीफिश, ये इतना ट्रांसपेरेंट है ना दिख ही नहीं रहा है। ये जो जेलीफिश है पॉइजनस भी होता है, बट क्या है ना पॉइजन तभी आपको लगेगा जब मतलब इसके आप टेंटिकल्स को टच करोगे तो। सो मैं ना ऊपर नहीं टच करने वाला,
तो भाई ये जहाँ था मैं वहीं पर रिलीज कर देता हूँ, बट देख के अच्छा लग रहा है। स्कूबा जो ना वो कंप्लीट हो जाती है, ज़्यादा नहीं थी, आई थिंक 20 मिनट के आसपास में थे ऐसे ही कुछ। काफ़ी सारी फिशेज दिखाई दी, अलग अलग वैराइटीज़ की फिशेज थी, काफ़ी सारे कोरल्स थे, काफ़ी वैराइटीज़ के कोरल्स थे। सो वापस से वीडियो को वहीं ख़त्म कर रहा हूँ जहाँ वीडियो को मैंने शुरू करी थी। हेलो अगेन। सो वीडियोस और फोटोज़ कैसे दीजिएगा? आपको लैपटॉप के थ्रू कॉपी करके दे देंगे। कॉपी करके दे दीजिएगा ओके, फ़ोन में जी, फोन में ओके। बस यही इच्छा है, आप लोग और डाइविंग करें और आए और हमारे साथ ओपन वाटर कोर्स करें, ओपन वाटर और देख सकेंगे। ओके ओके, चलिए, थैंक यू थैंक यू।